Dear students, in class 5 science, today I am going to teach you the topic prevention of spoilage of the food. This topic is related to the chapter. What is the name of the chapter? That is the spoilage, wastage and prevention of the food. That is the chapter 6 in your science book. In this topic, we will study how we can prevent the food from getting spoiled. Food must be prevented from getting spoiled. There are several methods that can help to prevent the food from getting spoiled. बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं. फर्स्ट है पेरिसेबल फूड स्टफ्स. एंड व्हाट आर द पेरिसेबल फूड स्टफ? ऐसे खाद्य पदार्थ जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि है मिल्क है, मीट है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं. दे मस्ट बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर और फ्रिज. इन सभी सामानों को हमें फ्रिज के अंदर रखना चाहिए, बिकॉज इन रेफ्रिजरेटर और फ्रिज देर इज द लो टेम्परेचर, एंड इन लो टेम्परेचर देर विद द लीस्ट चांसेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज दैट जनरली काजेज द स्पॉइलेज ऑफ द फूड. क्योंकि फ्रिज के अंदर बहुत कम टेम्परेचर रहता है जिससे सूक्ष्म जीवों का ग्रोथ नहीं होता है जो भोजन को खराब करते हैं. सेकेंड है द फूड लाइक द स्पाइसेज, सीरियल्स, बिस्किट एंड अदर स्नैक. ऐसे फूड आइटम जैसे कि मसाले हैं, अनाज हैं, बिस्किट्स हैं, स्नैक्स हैं, दे शुड बी केप्ट इन एयर टाइट जार्स. इनको एयर टाइट जार्स में रखना चाहिए. दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट देयर कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर इन द एयर. वो क्या करता है, हवा में जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, उससे इसको रोकने का काम करता है, और जिसे सूक्ष्म जीवों का कॉन्टैक्ट हटा रहता है और भोजन खराब होने से बच जाता है. द सेल्फ्स एंड कबोर्ड्स वेयर दे आर स्टोर्ड मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई. जो घर में दराज हैं, सेल्फ्स हैं, कबोर्ड हैं, उनको क्लीन रखना चाहिए और ड्राई भी. क्लीन और ड्राई नहीं रहने से क्या होगा, देयर विल बी द मॉइस्चर एंड वार्म. व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द चांसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे गेट द सुटेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ. तो इसलिए घर में जो सेल्फ्स हैं, कबोर्ड हैं, उनको साफ भी रखना है और ड्राई भी रखना है, जिससे सूक्ष्म जीवों का ग्रोथ ना हो. और सूक्ष्म जीवों का ग्रोथ भी नहीं होगा तो जो फूड आइटम हम स्टोर करेंगे वो खराब भी नहीं होगा. जो थर्ड मेथड है प्रिवेंशन ऑफ द फूड का, दैट इज द फूड प्रिजर्वेशन, जिसको कहते हैं भोजन संरक्षण. और समटाइम क्वेश्चन अराइजेज इन द स्टूडेंट्स माइंड, व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्पॉइलेज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माने फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण, वह प्रक्रिया है जिसमें फूड को ऐसे ट्रीट या हैंडल किया जाता है ताकि वह भोजन खराब होने से रुक जाए, या जो खराब होने का स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाए, जिसमें वो जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब होते हैं, यानी उस सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को स्टॉप कर देना, या उसके खराब होने की दर को कम कर देना ही फूड संरक्षण है. द फूड प्रिजर्व बाई
The food that is preserved by this method can usually be stored for a quite long time. और इसके द्वारा भोजन को अधिक दिनों तक संरक्षित करके रखा जा सकता है. It can then be used even when it is not available in fresh form. और इससे क्या होता है, बहुत सारे फल और सब्जियां हैं जिनका वो सीजन नहीं रहता है, उस समय भी यह भोजन हमारा संरक्षित रहेगा या उपलब्ध रहेगा ताकि हम मनुष्य उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इन दिस वे देयर आर थ्री मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड यू get no difficulty to understand in this topic. At last, I want to say that you like and subscribe my channel. That's all today from my side in class 5 science.